श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अब उस गरीब आदमी की तरह हो गई है जिसके पास फिर से उसी शख्स के कर्ज मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जिसके कर्ज में वो दबकर पहले से टूट चुका है। जी हाँ, श्रीलंका एक बार फिर चीन के दरवाजे पर खड़ा है और उससे $4 अरब की मदद मांगी है। बीजिंग में चीनी दूत ने श्रीलंका के इस आग्रह की पुष्टि की है। दरअसल श्रीलंका के पास भारत, चीन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ही मदद मांगने के विकल्प बचे हैं। भारत श्रीलंका को काफी मदद पहले ही दे चुका है, तो वहीं IMF जैसे संस्थानों से मदद पाने के लिए श्रीलंका को पहले कई शर्तों पर खरा उतरना होगा। ऐसे में श्रीलंका के पास चीन से मदद मांगने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा है। चीन पहले ही श्रीलंका को बड़ी मात्रा में कर्ज दे चुका है। फिलहाल श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा 10% है। चीन के अलावा जापान ने भी श्रीलंका को पहले बड़ी मात्रा में सहायता दी है। इस मदद के साथ श्रीलंका ने चीन को कई ऑफर भी दिए हैं। इसमें श्रीलंका से चाय, नीलम मसाले और कपड़ों की खरीदारी जैसे ऑफर शामिल हैं। श्रीलंका चाहता है कि चीन कोलंबो और हम्बनटोटा की बंदरगाह परियोजनाओं में और निवेश करे। श्रीलंका सरकार ने चीन के पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है, जो कि 2019 के आत्मघाती हमलों से पहले 2.5 लाख के पार पहुंच गई थी। हालांकि महामारी के बाद ये लगभग शून्य है।